वेलकम टू श्रीजी फूड। मैं हूं मनीषा ठक्कर। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट जैसा पनीर टिक्का मसाला। लास्ट वीक ही मैंने आपके साथ पंजाबी में जो लाल ग्रेवी इस्तेमाल होती है वो कैसे बनानी है और कैसे स्टोर करनी है वो वीडियो शेयर किया था, और आज वही ग्रेवी का इस्तेमाल करके हम ये सब्जी बनाने वाले है। तो चलिए इसे कैसे बनाना है वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम एक फ्राई पैन लेकर उसे गरम करने के लिए रखेंगे। उसमें 2 चम्मच बेसन डालें। यहाँ पे हमें घी या तेल कुछ भी नहीं डालना है, और धीमी आंच पर हमें इसे अच्छी तरह से भून लेना है। इस तरह को बेसन को ड्राई रोस्ट करके डालने से जो हम इसका मैरिनेशन बनाते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बेसन को भूनने में ज़्यादा समय नहीं लगता, ये अराउंड 2 से 3 मिनट में ही अच्छी तरह से भून जाता है। तो आप देख सकते हैं ये बेसन अच्छी तरह से भून गया है। गैस बंद करके हम इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब इसकी आगे की प्रोसेस के लिए यहाँ पे मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें एक छन्नी रख देंगे और जो बेसन हमने भून के रखा है वो इसमें डालेंगे। हमें इसे छान के इस्तेमाल करना है, तो सबसे पहले इसे छान ले। आप चाहे तो इस तरह से बेसन पहले भी भून कर डिब्बे में भरकर रख सकते हैं। अब हम इसमें दही डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच दही लिया है, जिसे भी मैंने छन्नी में निकाल कर रखा था ताकि जो भी उसका एक्स्ट्रा पानी हो वो निकल जाए, क्योंकि हमें इसके लिए गाढ़ा दही चाहिए। तो दही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसमें मसाले करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें नमक डालेंगे। नमक यहाँ पर हम थोड़ा सा ही इस्तेमाल करेंगे। इसी के साथ 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डालनी है, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, चुटकी भर अजवाइन, 1/2 चम्मच गरम मसाला, और जो कसूरी मेथी होती है उसे हम हाथ से इस तरह से मसल के डालेंगे ताकि उसका फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आए। तो थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने इसमें डाली है। अब 2 छोटे चम्मच जितना तेल हम इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा मैरिनेशन का पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसमें पनीर और सब्जियां डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 200 ग्राम पनीर, 100 ग्राम कैप्सिकम और 100 ग्राम टमाटर लिया है। टमाटर और कैप्सिकम को हमें इस तरह से बीज निकालकर कट करना है, और जो पनीर हमने लिया है उसके इस तरह से बड़े टुकड़े करने हैं। आप अगर प्याज खाते हैं तो प्याज के भी बड़े टुकड़े कर इसमें डाल सकते हैं। तो आप इसमें 100 ग्राम जितना यानी कि 2 मीडियम साइज के प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें इसे हाथ से ही अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो पेस्ट हमने बनाया है उसका अच्छी तरह से इसके ऊपर कोटिंग हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसका अच्छी तरह से कोटिंग हो गया है। इस तरह से जब इस तरह से इसका कोटिंग हो जाए उसके बाद हम इसे 10 मिनट के लिए रहने देंगे। अगर आपको इसे ज्यादा समय के लिए रखना है तो आप इसे बाहर ना रखें, तो आपको इसे फ्रिज में रखना है ताकि जो हमने इसमें नमक डाला है उसका पानी ना निकले। यहाँ पे मैंने इसे बाहर ही रखा है, तो मैं इसे 10 मिनट के लिए रहने दूंगी। 10 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो जो मैरिनेशन का पेस्ट हमने बनाया हुआ होता है उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरह से पनीर में और सब्जी में आ जाता है। तो चम्मच से इसे एक बार मिक्स कर लेना है, और फिर यहाँ पे मैंने लकड़े की स्टिक इस्तेमाल की है। आप चाहे तो स्टील का जो स्टिक आता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पनीर, कैप्सिकम और टमाटर को इस तरह से स्टिक में लगा देंगे। अगर आपने प्याज लिया है तो प्याज को भी इसी तरह से आपको इसी के साथ लगा देना है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने एक स्टिक तैयार कर लिया है। अभी हम इसे गैस के ऊपर ही रोस्ट करेंगे। तो गैस चालू करके डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर ही इस तरह से हमें इसे पकाना है। इस तरह से इसे थोड़ा हाइट पे रखेंगे और फिर इसे घुमाते जाएंगे। थोड़ी देर के बाद जब आप देखोगे तो इसके ऊपर इस तरह से आपको काले स्पॉट नजर आएंगे, तो वो इफेक्ट आना बहुत ही जरूरी होता है, उससे ही इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो इसी तरह से बाकी की सब्जी और जो कैप्सिकम है उसे भी हमें भून लेना है, और जो बचा हुआ ये मैरिनेशन का पेस्ट है उसे हमें फेंकना नहीं है, वो हम सब्जी में इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसी तरह से मैंने पनीर और कैप्सिकम और टमाटर को अच्छी तरह से भून लिया है। इसे हम स्टिक से निकाल लेंगे। अब सब्जी बनाने के लिए हम तेल गर्म करने के लिए रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 बड़े चम्मच जितना तेल इस्तेमाल किया है। आप चाहो तो तेल के साथ थोड़ा बटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन पनीर टिक्का की सब्जी स्पाइसी होती है तो आप सिर्फ तेल में बनाएंगे तो वो ज्यादा अच्छी बनेगी। अब जो लाल पेस्ट हमने बनाया है वो हम इसमें डालेंगे। फ्रेंड्स, आपने अगर ये लाल ग्रेवी का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन पे मैंने उसका लिंक दिया है,
वहां से आप वो रेसिपी देख सकते हैं। तो अभी मैं इसमें 3 बड़ी कड़छी जितनी रेड ग्रेवी इसमें डाल देती हूँ। इसे तेल के साथ हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तेल जब गर्म हो जाए उसके बाद ये ग्रेवी हमें डालनी है। ग्रेवी में ही हमने खड़े मसाले का भी इस्तेमाल किया है, तो अभी इस टाइम पर तेल में हमें कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं तेल के साथ ये ग्रेवी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। हमें इसे अराउंड 1 से 1.5 मिनट तक तेल के साथ इसे पकाना है। अब जो मैरिनेशन का पेस्ट बचा था उसमें हम 1 कप पानी डालेंगे। नॉर्मल रूम टेम्परेचर का ही पानी मैंने लिया है। उसमें 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लावर डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। कॉर्नफ्लावर को कई जगह पर कॉर्न स्टार्च भी बोलते हैं। ये किसी भी किराना स्टोर पे या फिर चक्की पे आपको मिल जाएगा। तो जो पेस्ट और कॉर्नफ्लावर है उसे हम पानी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसमें बिल्कुल भी गुठलियां ना बने उसका आप ध्यान रखें। तो आप देख सकते हैं अराउंड 1 से 1.5 मिनट के बाद ये ग्रेवी भी अच्छी तरह से पक गई है। अब जो पानी हमने मैरिनेशन के पेस्ट के साथ मिक्स किया है वो इसमें डाल देंगे और मीडियम आंच पर हम इसे मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स हो जाए उसके बाद जरूरत अनुसार आप इसमें पानी ऐड करें, क्योंकि ग्रेवी को हमने ऑलरेडी पकाया है लेकिन जो कॉर्नफ्लावर का पेस्ट हमने डाला है इसमें उसे हमें थोड़ा पकाना है। तो दूसरा 1/2 कप पानी मैंने इस्तेमाल किया है। बताया उस तरह से आपको जिस तरह से जरूरत हो उस हिसाब से आप पानी डालें इसमें। वैसे तो पनीर टिक्का की सब्जी स्पाइसी होती है लेकिन आपके घर में अगर आप तीखा नहीं खाते तो आपको ग्रेवी में कुछ भी मसाला डालने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे ही ये सब्जी बना सकते हो। यहाँ पे मैं सब्जी को थोड़ा तीखा बना रही हूँ इसलिए यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है और थोड़ा सा हम नमक डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा ज्यादा पानी डाला है तो टेस्ट बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पर चुटकी भर नमक डालेंगे। नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम ज्यादा कर सकते हो। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और ये मिक्स हो जाए उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे और स्लो टू मीडियम आंच पर हम इसे 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे। आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट के बाद ये ग्रेवी अच्छी तरह से पक गई है और हमने इसमें कॉर्नफ्लावर डाला है तो ये धीरे धीरे गाढ़ी भी हो जाती है। इस टाइम पर गैस की आंच धीमी कर दे और इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाले। इसी के साथ 1/2 चम्मच हम गरम मसाला डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले। ये सब्जी में चीनी या फिर मलाई या क्रीम किसी का भी इस्तेमाल नहीं होता। ये मिक्स हो जाए उसके बाद जो पनीर और सब्जियां हमने भून के रखी है वो इसमें डालेंगे और हल्के हाथ से इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो इसे मैंने मिक्स कर लिया है। फिर से इसके ऊपर हम ढक्कन लगा देंगे और स्लो टू मीडियम आंच पर फिर से इसे 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं 3 मिनट के बाद ये हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है और जब आप गैस बंद करो तब इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। तो अब हम आखिर में इसमें थोड़ा कसूरी मेथी का पाउडर डाल देंगे। अगर आपके पास कसूरी मेथी का पाउडर नहीं है या फिर कसूरी मेथी नहीं है तो आप ये स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप डालोगे तो स्वाद ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं अराउंड 8 से 9 मिनट के बाद ये सब्जी बनकर तैयार हो गई है। अब हम गैस बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसे रहने देंगे। तो आप देख सकते हैं 5 मिनट के बाद ये हमारी सब्जी परफेक्टली बनकर तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स, अब ये हमारी पनीर टिक्का की सब्जी बनकर तैयार है। आप इसे रोटी, पराठा, नान, जीरा राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी और मसालेदार है, तो आप भी बनाकर जरूर ट्राई करें। उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी।